तो YouTube इंट्रो, इंट्रो एक ऐसी चीज़ है जो आपके YouTube के लोगों को सही से रिप्रेजेंट करती है, मतलब आपके चैनल को सही से रिप्रेजेंट करती है। आपके वीडियो देखने से पहले लोग जो उसे देखते हैं वही आपके चैनल का इंट्रो होता है। तो इंट्रो क्या मतलब कि इंट्रो सही में वीडियो में होना ज़रूरी भी है या नहीं? तो देखो, वीडियो में इंट्रो होना ज़रूरी तो है, बट अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आप वीडियो में इंट्रो ना ही रखो तो सही है, क्योंकि जब आप नए यूट्यूबर हो ना तो लोग सिर्फ आपका कंटेंट देखने आते हैं, मतलब उन्हें जो अपनी चीज़ चाहिए होती है उन्हें उनसे मतलब है, उन्हें दूसरे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो वो आपका इंट्रो देख के अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, वो सीधा अपने मुद्दे की बात जानना चाहेंगे, जिससे आपका वीडियो वो स्किप कर सकते हैं या फिर वहीं से छोड़ भी सकते हैं। तो नए यूट्यूबर्स के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोशिश करें यूट्यूब इंट्रो ना ही लगाए, और अगर लगाने का मन भी है तो उसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखें, ताकि लोग ज़्यादा इरिटेट ना हो और लोग आपके कंटेंट देख सकें। बट जो आपका चैनल ग्रो हो जाए, मतलब उस लायक हो जाए, तब आप हो सकता है कि यूट्यूब इंट्रो लगा लें, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तब तक के लिए आप इंट्रो से दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो इंट्रो लगा सकते हैं, मेरी वैसी कोई वो नहीं है। तो बस आज की ये वीडियो यही तक थी, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना, और पता नहीं क्या क्या कर देना, लेकिन कर देना। बस वीडियो यहीं पे ख़त्म, टेक केयर।